मेरा नाम कुशल कुमार, ये मारुति सुजुकी ब्रीजा का BXI वेरिएंट जो कि सेकंड बेस मॉडल रहने वाला है। मैंने आपको इस कार का एक लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि LXI वेरिएंट था। अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बात करते हैं तो उसका LXI वेरिएंट ही है जो कि वैल्यू फॉर मनी है। पर लेकिन उस वाले वेरिएंट में आपको बेसिक फीचर्स नहीं मिलते हैं, ना ही आपको उसमें 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ना ही आपको रियर में हेडरेस्ट मिलेंगे। आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आप अपनी कार में आफ्टर मार्केट वर्क कराना नहीं चाहते तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप के BXI वेरिएंट के साथ जाइए। इस वाले वेरिएंट में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। 1,35,000 रुपीस का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है LXI और BXI वेरिएंट में। जो वेटिंग पीरियड है LXI वेरिएंट का वो भी 1 ईयर हो गया है, तो आपकी मजबूरी बन जाती है फिर BXI वेरिएंट के साथ जाना। काफी ज्यादा डिमांड होगी इसके LXI वेरिएंट की। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि हैलोजन में रहने वाले हैं, और इंडिकेटर में दिया जाएगा आपको बल्ब। ओरियरी ग्रिल इस कार की क्रोम मिल जाएगा, बीच में दिया जाएगा सुजुकी का लोगो, बीच में ग्रे फिनिश दी गई है। फोग लैंप आपको इसके BXI वेरिएंट में नहीं दिए जाएंगे। फिर ये साइड प्रोफाइल इस कार की, 16 इंच के आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। 215/60 R16 की प्रोफाइल रहने वाली है, और इनसे ऊपर की साइड दी जाएगी आपको क्लैडिंग जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है। ओरियर इस कार का ORM जो कि आपको बॉडी कलर का दिया जाएगा। इंडिकेटर भी इस कार के ORM पर रहेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेगा इस कार का ORBM, और डोर हैंडल हो गए बॉडी कलर के। उद्देश्य है तो कुछ तरह का रहने वाला है इंटीरियर इस कार का, पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला हो, ग्रे फिनिश दी जाएगी। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, LED टेल लाइट ऑन होने के बाद काफी बढ़िया लगती है इसकी बैक प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल से ज्यादा बढ़िया देखने में इसकी बैक प्रोफाइल लगती है। ऊपर साइड मिल जाएगा आपको शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर डिफोगर मिल जाएगा आपको। फिर एक्सटीरियर से कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा D4 के अलावा। और LED टेल लाइट, इंडिकेटर, बैकलाइट में हो गया बल्ब, सुजुकी का हो गया लोगो, ब्रीजा की होगी बेजिंग, नीचे साइड हो गया पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ। फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में, 5 ट्रे मिल जाएगी, 325 लीटर का दिया जाएगा आपको इस कार में बूट स्पेस। और स्पेयर व्हील हो गया यहाँ पर। तो ऐसा नहीं देखो सर, इस कार का एक्सटीरियर लुक, रियर डिफोगर के अलावा कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको LXI वेरिएंट में ना दिया जाए। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहने वाला है वो उस कार के इंटीरियर में। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा। K15C स्मार्ट हाइब्रिड आपको उसमें इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 101 BHP की पावर, 136 Nm का टॉर्क। अब चलिए फिर मैं आपको उस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये इस कार का इंटीरियर, डोर भी आपको पूरा ब्लैक कलर का दिया जाएगा, डोबनो हो गया ब्लैक कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM जिससे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो का कंट्रोल और लॉक अनलॉक के लिए, बटन बोर्ड के स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर, और ड्राइवर साइड सीट हेडमेंट का दिया जाएगा आपको फीचर और रिक्लाइन करने का। और इस कार का बैक डोर, डोपनो हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो, बटन बोर्ड के स्पेस और स्पीकर। तो ऐसा क्या कुछ रहने वाला इंडिया इस कार का पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला, और यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी इसके डैशबोर्ड में। उस सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको उसके BXI वेरिएंट में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। दूसरा का रहने वाला स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहां पर, बीच में सुजुकी का लोगो, उस सर्कुलर में मिलने वाला आपको क्रोम। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM मीटर, स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको उसमें एनालॉग, और बीच में मिल जाएगा कितने साइज की MID जिसमें आपको फ्यूल का टेम्परेचर, कितना चल गया कार, जैसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखती रहेगी, कुछ आपको उसमें अलर्ट लाइट दी गई है। और ये इस कार का ड्राइवर साइड AC वेंट, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी साइड में। और ये रहा सेंटर कंसोल, 7 इंच का दिया जाएगा उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ रहने वाला है। ब्राइटनेस काफी अच्छी रहने वाली है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिलता, अगर आप से अपर वेरिएंट लेंगे तो आपको यहाँ पर फिर पियानो ब्लैक फिनिश भी दी जाती है, वैसे नॉर्मली ब्लैक रहने वाला है ये। और यहाँ पर मिल जाएगी AC वेंट्स, हजार्ड लाइट का हो गया बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है आपको यहाँ पर, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, USB पोर्ट हो गया, थोड़ा सा स्पेस, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहती है कार, कुछ तरह का गियर नो मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिलने वाली है, कप होल्डर्स हो गए, कुछ तरह का हैंड ब्रेक रहने वाला है, थोड़ा सा स्पेस हो गया यहाँ पर। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैंटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, वॉइस कमांड के लिए आपको यहाँ पर माइक दिया जाता है। और ये ना को ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैंटी मिरर मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, फ्रंट में कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता, कैबिन लैंप मिल जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं ये कार की फ्रंट सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी जाती है आपको, उस तरह की फैब्रिक सीट्स रहने वाली है जिन पर उस तरह का डिजाइन है। और ये ग्लोव बॉक्स, काफी बड़े साइज का ग्लोव बॉक्स रहने वाला है इस कार का। और डैशबोर्ड पर यहाँ पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है,
जैसे मैंने आपको दिखाई दे यहाँ पर वो ग्रे फिनिश, यहाँ पर भी आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा को ड्राइवर साइड एसी वेंट, को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल का स्पेस, दो फैन स्पेस और स्पीकर। तो ये ओवर कुछ तरह फ्रंट सीट पर बैठकर जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दी हैं। और चलिए फिर लेकर जाता हूं आपको उस कार के रेयर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेगरूम है वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो वैसे आप देखो कितना लेगरूम रहने वाला है इस कार में। लेगरूम और हेडरूम में तो कोई भी कमी नहीं रहेगी इस कार में। और रेयर सीट पर बैठने को उस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, जैसे मैंने आपको दिखाई देता है यहाँ पर आपको केबिन लैंप मिल जाता है, जिस वजह से रेयर सीट पर भी काफी अच्छी ब्राइटनेस रहेगी। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे। जिसका लोअर वेरिएंट आता है एलेक्सा वेरिएंट, उसमें आपको किसी भी तरह के हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। और रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता, कुछ नहीं साइज का रहेगा बम्प। और ये रहा बैक डोर, डोबनो हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल स्पेस, स्पेस और स्पीकर। तो ओवरऑल कुछ तरह का इस कार का कैबिन, तो भाई ओवर कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर। जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। 135,000 बीच का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है एलेक्स बीएक्स वेरिएंट में, जैसे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई दिया था। 9,55,000 रुपीज का एक शोरूम प्राइस पर आपको इसका बीएक्स वेरिएंट दिया जाएगा। और आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और जो एक्स्ट्रा में फीचर जैसे हमने आपको बताया दिया था, सिर्फ डिफोगर ही है जो आपको BXI वेरिएंट में दिया जाएगा। LXI वेरिएंट में आपको नहीं ऑफर करा जाता है एक्सटीरियर से। और इंटीरियर में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर मिल जाएंगे। और जो एंफोटेनमेंट सिस्टम रहेगा वो आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ दिया जाएगा। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स हो गए, पावर फोल्डिंग मिरर, ड्राइवर साइड सीट हाइडसमेंट का फीचर, कुछ ऐसे फीचर आपको 1,36,000 रुपीज के प्राइस में दिए जाएंगे। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं तो आप इसके BXI वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, वरना जो वेटिंग है एलेक्स वेरिएंट वो भी काफी ज्यादा है, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है इसके BXI वेरिएंट के साथ जाना। अगर वेटिंग पीरियड कम है तो आप इसके एलेक्स वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो चलिए फिर आपको इस कार की और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, अगर किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।